आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है जिसने अभी रिसेंटली में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली थी, लीडरशिप मिली थी, उस टाइम पीरियड में इंडिया ने क्या क्या करा है। और ये मैनहट्टन जो है न्यूयॉर्क सिटी की एक सिटी है। सबसे पहले इंडिया ने फोकस करा है मैरिटाइम सिक्योरिटी पर, टेररिज्म पर, यूएन पीस कीपिंग फोर्स पर, रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म पर और ग्लोबल साउथ पर। इंडिया जो है इलेक्ट कर दिया था 3 इम्पॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की कमिटीज़ होती है, उनकी 3 कमिटीज़ को इंडिया ने चेयर करा था, तालिबान सेंक्शंस कमेटी, लीबियन सेंक्शंस कमेटी एंड काउंटर टेररिज्म कमेटी। उसके बावजूद इसके अलावा और इंडिया ने फोकस करा है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर, एंटी पायरेसी पर, कॉम्बेटिंग टेरर एंड ट्रांसनेशनल क्राइम्स एट सी। उसके बाद मिलिट्री टेक ओवर करा था फरवरी 2021 में, म्यांमार में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था। तो P5 यानी परमानेंट 5 जो थे उन्होंने क्या करा था, अपोज करा था जो स्टेप्स इंडिया ने रेकमेंड करे थे उनको, और आसियान ने भी। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इन्होंने भी एडवाइस करा था कि सावधान रहो, ये मत करो एडोप्ट। तो इंडिया ने क्या करा था, इंडिया एक तो म्यांमार के साथ 1700 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया ने इंश्योर करा बैलेंस। और उसके बाद इंडिया ने म्यांमार के साथ ये रेजोल्यूशन निकाला जिसकी वजह से जो मिलिट्री की प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई दिसंबर 2022 में। उसके बाद बात करते हैं तालिबान की जो अफगानिस्तान में, 2021 में तालिबान ने सीज़ कर ली थी पावर अफगानिस्तान की। इंडिया ने नेगोशिएशंस करने की कोशिश करी और जिसका रिजल्ट ये निकला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन हुआ जिसका नंबर है 2593। अब इससे क्या हुआ, इसके अंडर ये था कि स्टॉप कर दिया जाएगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम अफगान सॉइल, यानी अफगान सॉइल के बाद टेररिज्म किसी और बॉर्डर पर क्रॉस नहीं करेगा, वहीं तक ही लिमिटेड रहेगा। उसके बाद वहाँ के जो वुमेन के राइट्स हैं, माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं और चिल्ड्रन के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगी इस रेजोल्यूशन के अंडर, और उन्हें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया ने भी कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए, जैसे कि रेगुलरली अब वीड्स जा रहे हैं, जैसे भी 1 या 2 वीक बिफोर मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंडर काफ़ी वीट गया था, उससे पहले पाकिस्तान में फ्लड्स आने से पहले भी पाकिस्तान के थ्रू गए थे वीट अफगानिस्तान में। उसके बाद अब बात करते हैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की। इंडिया ने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करी थी लेकिन वहाँ पर यूनिलेटरल सैंक्शंस से पहले से ही उनको अफेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रपोजल दिया था इंडिया ने कि अब्दुल रहमान मक्की जो डिप्यूट अमीर या चीफ है लश्कर ए तैयबा का, उसको अप्रूव कर लिया गया था यूएनएससी ने। अब ये लिस्टिंग पहली बार थी जब इंडिया ने प्रपोज करा था कोई एक नाम और उसे मान लिया गया था। अब उसके बाद बात करते हैं पीस मेकिंग पर। इंडिया ने लॉन्च करा है UNITE अवेयर टेक्नोलॉजी जो स्ट्रेंथन करेगा प्रोटेक्शन ऑफ पीस मेकर्स। उसके साथ साथ जितने भी यूएन के पीस कीपर्स हैं उन सभी को इंडिया ने 2 लाख वैक्सीन्स गिफ्ट करी हैं। उसके साथ 2021 में इंडिया का प्राइम फोकस था क्लाइमेट चेंज पर। ज़्यादातर जितने भी कंट्रीज थी P5 यानी परमानेंट 5 जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, उन्होंने ये कोशिश करी थी कि क्लाइमेट चेंज को UNSC के स्कोप के अंडर ला दिया जाए, जिसके थ्रू कि P5 जितने भी हैं सारे ज़्यादातर हिस्टोरिकल मेजर पॉल्यूटर्स हैं। अब ये रेजोल्यूशन को डिफीट कर दिया था इंडिया और रशिया में, क्योंकि अगर ये लागू हो जाता तो जितने भी इन पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं पोल्यूशन करने की, वो सभी ये इसके अंडर लाकर इस रेजोल्यूशन को वो सब ख़त्म कर देते हैं।